राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि टी नाम वाले जातक एवं पी नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, टी नाम वाले जातक एवं पी नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता की कमी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये हमेशा अपने जीवन में अपने अपने विचारों को, अपने अपने दृष्टिकोण को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं एवं अपने विचारों के सामने में, अपने संस्कृति के सामने में, अपने रहन सहन के सामने में किसी और इंसान की बातों को, किसी और इंसान के विचारों को महत्व नहीं देते हैं। वैसे इसके अलावा यदि हम टी नाम वालों की बात करें तो टी नाम वाले जो भी जातक होते हैं ये हमेशा अपने जीवन में स्वतंत्र होना, आजाद होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में किसी भी इंसान के अंदर में रहना पसंद नहीं करते हैं। इनको अपने जीवन के यात्रा में आजाद होना, स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा पसंद होता है। लेकिन इसके अलावा इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से थोड़े बहुत स्वार्थी, थोड़े बहुत मतलबी होते हैं एवं ये अपने जीवन के यात्रा में अपने स्वार्थ के सामने में, अपने मतलब के सामने में किसी और इंसान की बातों को, किसी और इंसान के विचारों को ये महत्व नहीं देते हैं। वैसे इसके अलावा यदि हम पी नाम वालों की बात करें तो पी नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में जल्दी गुस्सा, जल्दी क्रोध नहीं करते हैं। ये अपने जीवन के यात्रा में अपने आने वाले समय के प्रति बेहद आशावादी होते हैं, अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा आशा करते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने वर्तमान समय को बर्बाद करना पसंद नहीं करते हैं। मित्रों, टी नाम वाले जातक एवं पी नाम वाले जातक, इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो मंदिर को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में अपने इष्ट देवता का नाम आप कमेंट अवश्य कर दे एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दे। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।